नमस्कार नेम इस सुधीर एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद सुधीर आज इस वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम देखेंगे द द बॉय हु ब्रोक बैंक जो कि काफी मजेदार कहानी है अफवाहों के बारे में है है कि हम किस तरह से मिस रिपोर्टिंग करते हैं ए कुछ बताता बी को बी कुछ बताता है सी को सी कुछ बताता है डी को, को जब तक वो जेड तक पहुंचे कहानी बिल्कुल ही बदल जाती है इसी बात पर रस्किन बॉन्ड ने ये पांच पेज की कहानी लिखी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है इट इज सेट इन एन इमेजिनरी प्लेस कॉल पीपल नगर जिस तरह से आर के नारायण हमेशा मालगुडी नामक एक इमेजनरी प्लेस को उन्होंने क्रिएट uh, किया था उसी तरह से रस्किन बॉन्ड की काफी सारी कहानियां पीपल नगर नामक एक जगह पर बेस की जाती है सो इट इज बेसिकली द स्टोरी अबाउट हाउ केयरलेसली इफ यू स्प्रेड द न्यूज यू कैन एक्चुअली क्रिएट है इन समल्स वर्ल्ड और लाइफ Uh, इस कहानी को एक तरह से एलेगोरी भी कहा जाता है राइट ओके नाउ एलेगरी का मतलब यह है कि ऐसी एक कहानी जहां पर एक किरदार एक कैरेक्टर या एक uh, पिक्चर फोटोग्राफ एक बड़े आइडिया को एक तरह से रिप्रेजेंट करती हो और इट रिप्रेजेंट ए क्वालिटी लाइक ट्रुथ लाइक लाइज लाइक लाइफ और डेथ ओके एक बड़े आइडिया को रिप्रेजेंट करती हो सो so इसमें वही है इसमें एक तरह से ट्रुथ के बारे में और ट्रुथ को बताने की जरूरत पर एक तरह से एम्फोसाइज किया गया है कि अगर कोई दूसरा बंदा आपको कुछ बात बताए और आपको दूसरे आदमी को यह बात बतानी हो तो यू डू नॉट डिस्टॉट what information has been given to you from the first person okay there is a lot of uh, hyperbole also in this particular uh, story uh, there's a lot of exaggeration in the narrative because a comedy create karte baka toritor exaggeration ka bhi is authors karte hain. Uh, now uh, the themes of the story i've already spoken about the dangers of rumor mongering uh, You should not jump to conclusions immediately. Then people's fear, whether it comes to things about their money ki kya mera paisa surakshit hai ya nahi bank mein, and the theme of miscommunication and the power of rumor. फिर से बोलता हूँ, the power of rumor and the theme of miscommunication. इस दोनों चीज़ पर, इस particular story पर काफी ध्यान दिया गया है, and of course how fast. न्यूज ट्रैवल कोई कोई बात कोई बात गॉसिप बतानी हो टली आप फोन करके दूसरे बंदे को बताएंगे आप आजकल फोन क्या व्हाट्सएप पे बता देंगे एंड एवरीथिंग और आजकल के जमाने में व्हाट्सएप में तो और भी ज्यादा खतरा है क्योंकि आप एक तरह से क्राउड डिसमिनेशन ऑफ न्यूज कर सकते हैं और अगर वो गलत फेक न्यूज हुई जैसे आजकल काफी कुछ होता है तो जस्ट इमेजिन कीजिए उससे आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट विच हैपन इन कोची एक बंदा रात के समय पर कोची मेट्रो पर सोया हुआ था एक दूसरा आदमी जो कि गल्फ से आया था और इस पर एक मूवी भी बनी थी मलयालम मूवी उसने क्या किया उसने सोचा कि यह आदमी पीकर सोया हुआ है सो ही टुक and फोटोग्राफ ऑफ posted डिस्ट्रीब्यूट एंड पोस्टेड ऑन हिज फेसबुक राइट सेट know look at this दिस फेलो is drunk, that पर्सन

ऑलवेज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वॉट यू डिसेमिनेट अगर आपको हंड्रेड परसेंट जानकारी नहीं है तो जस्ट बिकॉज दूसरे बंदे ने कहा आप उस बात को मत। Now let's get started with the story, नहीं तो you know इतने देर तक बकवास कर रहे हैं कैट ऑफ ए थिंक पीपल राइट grumbled to himself. हिमसेल्फ okay, uh, वो चिप रहा है वहां पे एक स्मॉल ग्रूम हरीडली तो काफी जल्दबाजी में वे झाड़ू लगा रहा था एंड केयरलेसली ज्यादा ध्यान से नहीं लगा रहा था क्योंकि वो गुस्से में था एंड दी डस्ट आफ्टर राइजिंग इन ए क्लाउड वो होता है ना जल्दी जल्दी करते वक्त वो पूरा धूल ऊपर जाती रहती है थोड़ी देर बाद वो धूल वापस उसी जगह पर आके गिर जाती है इट्स डाउन अगेन जिससे कि वो डस्ट को कलेक्ट करना होता है उस पर्टिकुलर uh, इंप्लीमेंट को वो ढांग ढांग करके उस स्टेप्स पे डस्टबिन के अगेंस्ट मार रहा था और उसी समय पर सीताराम जो कि धोबी का बेटा था वहां से गुजरा तो यहां पर आपको ये दो शब्दों का इस्तेमाल के बारे में ध्यान देना है। इसमें MCQs आ सकते हैं। तो MCQs के लिए आपको और फिर एमसीक्यूज में कबाड़ा हो जाएगा सो ही वॉज इन हरी ऑल्सो डूइंग थिंग्स इनलेस वे सीताराम वॉज ऑन हिस डिलीवरी राउंड वो डिलीवरी जो कपड़े इस्त्री करके धो के इस्त्री करके वापस देने के लिए जा रहा था और उसके पास बंडल था फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन क्लोथ बैलेंड ऑनड रेस आर यू नॉट बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा मंथ कि इतनी धूल मत उड़ाओ क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि वो दो रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए मना कर रहे हैं बैंक एम्प्लॉय मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता मैंने तो पिछले साल पिछले महीने की मेरे को तनख्वाह भी नहीं मिली है सैलरी भी नहीं मिली है और ये ऑलरेडी 20 तारीख हो गई है प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स बीस तारीख हो गई है जिस दिन नट्टू से सीताराम मिला उस दिन बीस तारीख थी बाद में आप कहानी में पाएंगे कि किस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाती है बात ओके बीस तारीख हो गई है लेकिन मेरे को अभी तक अपनी तंखा नहीं मिली तंख्वा नहीं मिली हु वुड थिंक ए बैंक वुड होल्ड पुअर मैन सैलरी क्या कोई सोच सकता है कि ये बैंक एक बैंक जिसमें कि लोगों का इतना पैसा जमा होता है एक गरीब व्यक्ति की तंख को रोक कर रखा होगा एस ऐसू निकेटमेंट नहीं जैसे ही मेरे को पैसे मिलते हैं मैं तो निकल जाऊंगा मैं एक हफ्ता भी इस जगह पर और काम नहीं करूंगा एंड नठू ने उस पैन को और दबाया डस्टबिन के खिलाफ जस्ट टू एम्फोसाइज द पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस दो चीजें कि एक तो वो अपना गुस्सा जताना चाहता था कि मैं, मैं एक हफ्ता और इस जगह पर नहीं रहूंगा ओके okay, मैं जैसे ही मेरे को अपने पैसे मिलते हैं और दूसरा ये करने से उसको अपने में एक तरह यू well, अगर कोई दूसरी नौकरी की बात आती है तो मैं देखता हूं, मैं बताता हूं तुमको एंड वो वहां से निकल जाता है एंड इज कैरिंग ए बिग बंडल ऑफ क्लोथ सो ही चाइल्ड लेबर एट द्थ हाउसाराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मैं न्यूज ऑफ ए स्वीपर एक मिनट चार घर चौथे घर पे जब वो अप कपड़े देने के लिए गया तो वहाँ पर वहाँ की जो मालकिन थी थी वो कह रही थी कि एक स्वीपर की जरूरत है साफ करने वाले की और उसने कहा कि मैं स्वीपर बॉय को जानता हूं जो कि काम की तलाश में है और वो अगले महीने से काम शुरू कर सकता है वो अभी पीपल नगर बैंक में काम करता है लेकिन उन्होंने उसकी सैलरी नहीं दी है और वो नौकरी छोड़ना चाहता है प्लीज नोट द फैक्ट दैट सीताराम ने कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं किया खबर को जो नट्ठू ने बताया वो ही खबर उस लेडी को बताई प्लीज नोट दिस ओके इज दैट सो वेल सी मी टूमोरो मेरे को कल आके देखने के लिए बताओ सीताराम कहता है सीताराम खुश होता है कि उसने अपने दोस्त की मदद की एंड ही

का क्रिएशन रस्किन बॉन्ड ने किया है शी देन शोड मिसेस श्रीवास्तव ए सैंपल ऑफ द क्लॉथ शी वाज गोइंग टू बाय कि वो किस तरह की कपड़े की खरीदारी करने वाली थी उसका एक सैंपल उन्होंने मिसेस श्रीवास्तव को दिखाया और उन्होंने अगले पांच मिनट उसका रंग टेक्सचर डिजाइन सब बारे में उसकी दे डिस्कस दैट शेड टेक्सचर एंड डिजाइन हैविंग एक्सॉस्टेड दिस टॉपिक मिसेस श्रीवास्तव से ड्यू नो माई डियर दैट सेट गोविंदरास बैंक कांट इवन पेटिंग सीताराम टोलढर ओनली अबाउट वन पर्टिकुलर स्वीपर बॉय मिसिस श्रीवास्तव को देखिए अब उन्होंने कहा कि वो अपने पूरे एंप्लॉइज को भी तंख्वाह नहीं दे रहे हैं राइट ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड ए कंप्लेट फ्रॉम द स्वीपर हू हैज रिसीव डिज वेजेस फॉर ओवर ए मंथ उसने कहा था मेरे को इस महीने की सैलरी नहीं मिली है मिसिस श्रीवास्तव ने कहा कि एक महीने से ऊपर की सैलरी उसको नहीं मिली डिस्टॉपन नंबर एक ओके ये दो चीजें डिस्टॉर्ट कर दी शॉकिंग रिमार्क देवी अगर एक स्वीपर को भी वो सैलरी नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि उनकी हालत काफी खस्ता होगी दूसरों को भी सैलरी नहीं मिल रही होगी पक्का अगर स्वीपर को ही नहीं दे सकते जिसकी की सैलरी काफी कम होगी ओके okay? उसकी आमदनी काफी कम होगी उसको ही नहीं पैसे दे पा रहे पीपल नगर बैंक वाले तो मतलब बाकी कर्मचारियों को तो सैलरी पक्का नहीं मिल रही होगी She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband. तो Mrs. Bhushan, Mr. Bhushan की तलाश में निकल गई जो कि कमल किशोर के फोटोग्राफी शॉप के सामने बैठा हुआ था टॉकिंग विद ओनर यानी कि जो कमल किशोर नाम होगा सो देर यू आर आई बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट मैं एक घंटे से तुमको ढूंढ रही हूं कहा निकल गए थे कहीं नहीं तुम एक जगह पर रुको तो मैं तुमको प, 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 ई कैन फाइंड यू लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दु, दुकान जाते हो जैसे कि एक बी इन ए फ्लावर गार्डन डोन्ट स्टार्ट ग्रम इज एन एफ की गर्मी से वैसी हालत काफी खराब है आई डोंट नो वट इज है नगर इवन द बैंक इज अबाउट टू गो बैंक अभी देखो इस लेडी ने और भी ज्यादा उस पर आ, और भी ज्यादा क्या बोलते हैं तेल और डाल दिया कहा कि पीपल नगर ब्रांच ही एक तरह से

नाई की दुकान थी। दीपचंद, दीपचंद और भी ज़्यादा। तुम अपना पैसा जल्दी निकाल वालो। एक बुजुर्ग आदमी का uh, के बाल काट रहा था एंड ही सो स्टार्टल्ड कि उसका हैंड शैक हुआ और उसने अपने उस कस्टमर uh, के राइट कान को काट दिया विद द कैंची द कस्टमर ये विद पेन मींस

सेठ वॉज कश्मीर, वो कश्मीर में था पीपल नगर में नहीं था तो वेर वॉज ही इन oh, so? कश्मीर पर आया और उसने दीपचंद को कहा नॉट मीन कि कोई चिड़िया भाग गई है वो सेठ गोविंद राम की तुलना एक, एक पक्षी के साथ कर रहा है और कहता है कि चिड़िया भाग गई चिड़िया उड़ गई ओके okay, सेठ गोविंद राम ठुर हो गया

उसी तरह से खबर भी पूरे पीपल नगर में फैल गई पीपल नगर के बाजार में फ्रॉम द इॉप सर्कुलेटेड कस्टमर्स जितने भी दुकानदार थे जितने भी खरीदार थे उन सब में बात फैली और फिर उन्होंने आगे फैलाया टू द पान वाले को दर्जी को वेंडर को ज्वेलरी शॉप वाले को यहां तक कि भिकारी को भी नाउ अब भिकारी का देखिए भिकारी का नाम है कणपत भिकारी का नाम है गणपत ना उसके कई साल से उसकी टांग ठीक नहीं थी ओके okay? और वो वहीं पर बैठ के भीख मांगता था राइट इन द इवनिंग वुड कम विद विद अ बैरो बैरो इज समथिंग यू कैन कैरी आउट देयर एंड टेक हिम अवे ही हैड नेवर किसी ने उसको चलते हुए कभी भी नहीं देखा था लेकिन अब जब उसको पता चला कि बैंक कोलैप्स होने वाला है गणपत ने सबको चौंका दिया क्योंकि वो इमिडियटली लपका और भागा बैंक की तरफ ओके okay? तब पता चला लोगों को कि उसने बैंक में वन थाउजेंड रुपीज में डाल रखे थे ओके सो दिस इज एलिमेंट ऑफ ह्यूमर कि एक तरह से ही स्केड गणपत स्केड फॉर इज मनी बट जिस तरह से उसका कैरेक्टराइजेशन किया है उसे एक तरह का व्यंग कसा है ह्यूमर की Uh, कोशिश की है रस्किन बॉन्ड ने मेन स्टूडेंट ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर्स डिस्कसिंग द सिचुएशन सभी लोग जो सिचुएशन थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे पीपल नगर सेल्डम हैड ए क्राइसिस सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स कि पीपल नगर में कभी बाढ़ नहीं आई कभी भी भूचाल नहीं आया कभी भी सूखा नहीं पड़ा तो इस वजह से पीपल नगर बैंक का जो कोलैप्स होने वाला था जिसकी की अफवाहें फैल गई थी उससे काफी लोग यू you नो know, कि

पैसा पूरा ऑलरेडी पिछले महीने या दो महीने पहले कभी भी पहले विद्रॉ कर लिया था यू नो दैट आई एम सो स्मार्ट यू नो स्मार्टर आर ऑलवेज सम पीपल लाइक दैट कि कुछ बैंक जाए अरे मेरा अकाउंट नहीं है मैंने तो कभी भी इस बैंक में अकाउंट नहीं खोला नो आर ऑलवेज सम पीपल लाइक दैट अदर स्पेकुलेटेड ऑन द द फॉर क्रैश की किस वजह से क्रैश हुआ होगा राइट right? uh, और उन्होंने ये कहा कि सेठ गोविंद राम ने काफी खर्चा किया होगा इस वजह से बैंक कोलैप्स हो रहा है तो एवरी वन ब्लेम्ड सेठ गोविंद राम अरे देखो कश्मीर में भी हॉलीडे छुट्टियां तो डाला है लोगों के बारे में गप्पे करो अफवाहें फैलाओ उसपे कोई टैक्स नहीं लगता है तो सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं सेठ हेट है फ्लेट द स्टेट की वो अपना ये प्रदेश छोड़कर चला गया है ये फ्लेट कंट्री उसने कहा कि अरे वो तो देश छोड़कर चला गया दूसरे ने कहा कि वो पीपल नगर में ही कहीं छिपा हुआ है कश्मीर में नहीं है चौथे ने तीसरे ने ने कहा कहा चौथे कि वो इमली के पेड़ से उसने फांसी पे लटका लटका दिया है ना जो बाहर के लोग थे जिन्होंने वहां पर नहीं देखा होगा वो सब इस तरह की खबरें भी फैला रहे थे किसी को कुछ पता नहीं था राइट और उस दिन सुबह ही उसको पाया गया था बाय द स्वीपर बॉय बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू

और सेठ गोविंद राम को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे कश्मीर में किसी हाउस बोट पर थे डल लेक इन श्रीनगर पीपल टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द नेक्स्ट डे कि तुम अगले दिन आओ उनको यह पसंद नहीं आया उनको लगा कि अगले दिन आएंगे तो उनको अपने पैसे नहीं मिलेंगे तो वो बाहर ही खड़े रहे राइट और चिल्लाते रहे कि हमारा पैसा वापस करो नहीं तो हम अंदर धावा बोल देंगे उन्होंने कहा कि सेट को बुलाओ, राइट? Right? हमको मालूम है छुपा में, में हुआ है. You know, जिनका की उस बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं था उन्होंने उस भीड़ को ज्वाइन किया इनो you स्लोग know, करने में एंड जनरली लोगों को और गुस्सा दिलाने में एंड द मैनेजर दरवाजे पे खड़ा रहा उनको शांत करने की कोशिश की ट्राई टू प्लेकेट देम

अगले सुबह नट्ठू आता है पीपल नगर बैंक में और वो देखता है पूरा शीशा वहां पर बिखरा पड़ा हुआ है ओके पत्थर भी है एंड ही काइंड ऑफ रेजेस इज हैंड्स एंड इट सेस हुलीगन्स यू नो ये कौन करता है सन्स ऑफ गधे के बच्चे सन्स ऑफ डोंकीज एज दो इट इज इन बैड एनफ टू बी पेड एज मेरे को वैसे भी तो, 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 सैलरी लेट मिल रही है अभी मेरा काम भी और बढ़ गया है इतनी गंदगी क्रिएट कर रखी है एंड ही काइंड ऑफ स्मोट द स्टेप्स स्टेप्स उसने पर अपने झाड़ू से मारा पूरा स्कैटरिंग द रिफ्यूज यू नो ही इज वेरी एंग्री ही इज नॉट वांटिंग टू डू अ प्रॉपर जॉब ऑफ इट उसी समय पर सीताराम गुड मॉर्निंग बोलता है आर यू रेडी टू टेक अप न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ क्योंकि उसने मिसेस श्रीवास्तव को बोला था कि अगले महीने की पहली तारीख से तुम काम करने के लिए जा सकते हो यू विल हैव टू सपोज क्योंकि बैंक तो अभी बंद होने वाला है हाउ इज दैट इजे तुमने सुना नहीं वेल uh, well, तुम अभी थोड़ी देर रखो पी, पीपल नगर की आधी जनता यहां पर आएगी अपना पैसा लेने के लिए he says, मेरे पास तो बैंक अकाउंट नहीं है तो वो निकल गया इसी तरह। मटरिंग अब बड़बड़ा रहा था वेन ही फिनिश द वर्क वो पूरा बैंक में बैठा एंड आज तो मैं अपनी सैलरी लेकर ही जाऊंगा तो ही सेज किसने सोचा था कि बैंक कोलैप्स हो जाएगा कि ऐसा क्या हुआ कि बैंक कोलैप्स हो गया सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स ही एंड नो दैट हिज स्टोरी इज द वन विच रूमर मॉन्गरिंग मिसकम्युनिकेशन एंड पीपल डूइंग दिस काइंड ऑफ मिशिफ एंड द बैंक ऑलमोस्ट कमिंग नॉट कोलैप्सिंग बट बैंक गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम ओके सो दिस वॉज द फन स्टोरी आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू द एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई मैं उम्मीद करता हूं राइट right?